देखो ये एडवांटेज कॉन्क्लेव जो माजा पब्लिकेशन और PhDCCI ने अरेंज किया, एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोग सब साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री सब इंटरेक्ट कर सके एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस कि हमको क्या करना है आज घर जाके, क्या 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 चेंजेस लाने हैं, क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए ये कॉन्क्लेव अरेंज किया गया है। और आई थिंक हम लोगों ने अचीव कर लिया। हमारा जो डिस्कशंस हो गए उसमें पता चलता है लोगों को आइडिया मिल गया क्या करना है, कि हमको वर्कआउट करना है, मूव टूवर्ड्स बेटर गोल, न्यू थिंग्स लाने हैं, न्यू इनोवेशंस लाने हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स विच पीपल हैव कैप्चर्ड फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस। ये हम घर लेके जाएंगे सब लोग। लोगों ने क्वेश्चंस भी किया, उनके क्या सवाल है कि जो उनके मन में है इस मीटिंग के बाद? देखो उनके मन में जो भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया का, पर्टिकुलरली इंडिया इज हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो हम प्रगति कर रहे हैं रैपिड पेस पे, हम नंबर टू पे जाने वाले हैं 10 साल में, 5 साल में। हमारे माध्यम से क्या उनको मैसेज का कहना चाहेंगे? वर्क हार्ड, डू, आप इनोवेशन करो, नया काम करो, पॉजिटिव रहो, देश के बारे में, देश के प्रति प्यार रखो, एनवायरनमेंट के प्रति प्यार रखो, पोल्यूशन मत करो, कचरा मत फेंको, वो वाटर मत वेस्ट करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, तो आपका सारा काम ठीक ठाक हो जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करो, दैट्स इट। ये सब चीजें करनी चाहिए हर कोई। आप किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, आपका क्या कुछ है? देखो मैं आई एम एंथनी क्रेस्टो, आई एम एडवाइजर एफ्रिक्योर फार्मा, रोटो टेक्नोलॉजीज, नाइपर जी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं काफ़ी कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि नंबर थ्री पे जाने वाले हैं हम अगले 5 साल में, और हमारा वैल्यू, हम एक्चुअली नंबर थ्री पे है, नंबर टू पे जाने वाले, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। और बाय 2047 में विकसित देश होने वाले, और 2075 में विल बी नंबर वन इन द वर्ल्ड। जब आपको लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हमने किया है ऑलरेडी, ये मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है देश के बारे में। इनिशिएटिव के बारे में बताइए, क्या कुछ मीटिंग हुआ और ये जो भी इनिशिएटिव लेके किया जा रहा है केमिकल्स के बारे में, तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये जो हिंदी में बोलना है, यस अच्छा, ये जो एडवांटेज एजेंडा, एडवांटेज इंडिया केमिकल एजेंडा है, ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके अंदर पे आपका, जिसके अंदर में आपका जो है कि इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वो लोग बात कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारे कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर, और एक काफ़ी कोलैबोरेटिव है, काफ़ी ओपन सेशन है, जिसके अंदर पे कि लोग ओपन अप होकर के बातें कर रहे हैं कि जो हमारी चैलेंजेस हैं, हाउ वी कैन पोजिशन आवर सेल्फ एज अ लीडिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड मार्केट। सो एक काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है ये। क्या कुछ निकल के इस मीटिंग से बाहर आ रहा है? इस मीटिंग से काफ़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट निकल करके आ रहा है, उसके अंदर पे इंडस्ट्री एकेडमिक्स जॉइंटली काम करें, उसके बाद में जो है कि इंडस्ट्री के अंदर पे भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, क्रॉस इंडस्ट्री इनोवेशंस के ऊपर काम होना चाहिए वो उसके अंदर पे। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि 15 साल पहले हम लोग ये टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोग ये समझ में आ रहा है कि हमें वर्ल्ड लीडर बनना है। जैसे हमारी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि 2047 में हम जो एक डेवलप कंट्री होंगे, तो एक मोमेंटम आ रही है, वो मोमेंटम एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है उसके अंदर पे, और वो डेवलपमेंट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। और जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे इस इनिशिएटिव की मीटिंग को रखा गया है, बेसिकली तमाम कंपनियां केमिकल्स को लेकर भी सामने आ रही, तो आप लोगों का क्या उसको देखने का नज़रिया कि केमिकल्स को लेकर किस तरह से बढ़ावा मिले, या कुछ, क्या कुछ उसमें कमी रह गई है केमिकल्स जो लोगों के बीच? नहीं देखिए, केमिकल्स में कैसा हो रहा है कि आज हम लोग मेजर केमिकल जो आ रहे हैं आज भी हमें वो चाइना वगैरह से आती है उसके अंदर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिटिकल केमिस्ट्री को लेकर के बहुत अच्छी इकोसिस्टम नहीं है उसके अंदर पे। वो इकोसिस्टम बनाने के लिए हमको क्रॉस इंडस्ट्री इनोवेशंस के अंदर में आना होगा, तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेज, ऐसे सेशंस को बार बार आना चाहिए, बार बार ऐसे वो होना चाहिए जहाँ पे हम ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बात कर पाए और जहाँ पे हम लोग वो कर पाए उसके अंदर। यहाँ पे तमाम यूथ भी मौजूद है जो कि आने वाले चीज़ों को टेक ओवर करने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज? देखिए यूथ को मैं अगर ईमानदारी से अगर बात करूँ तो यूथ थोड़ा मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की इन्वायरमेंट हो रही है उसमें सबको एंटरप्रेन्योर बना दिया जा रहा है, जबकि एक एंटरप्रेन्योरशिप ये सब एक जार्गन्स है। फैक्ट्स ये है कि आप अगर अपनी यूथ यूथ कैपिटल को राइटली अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा गलत जाएगा उसके अंदर पे, वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो गलत जाएगा,
इसलिए यूथ को एक राइट डायरेक्शन पे देना। जैसे अभी मैं कुछ आईसीटी के यंग बच्चों से मैं बात कर रहा था, उनका कहना है कि हमें जॉब नहीं है। कारण ये कि जब वो कॉलेज से निकल रहे तो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक को थोड़ा कोलैबोरेट करना चाहिए उसके अंदर पे कि भाई हमें इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाना है लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप उनको एंटरप्रेन्योर बना दे रहे हो, आप उनको 50 लाख 1 करोड़ की फंडिंग दे दे रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। आज जो 15 साल 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं सारी नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए उसके अंदर पे। तो यूथ को इस तरीके से डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय टेक ऑन दिस, कि यूथ को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनको इंडस्ट्री रेडी करो आप उसके अंदर पे। तो एकेडमिक्स की और इंडस्ट्री की कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके अंदर पे। दोनों को जॉइंटली बैठ के बात करना चाहिए उसके ऊपर कि हमें चैलेंजेस क्या है। और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आज आपको ना इंडिया के लेवल पे नहीं देखना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट पे हमारी पोजीशन क्या होगी, हमें इस पे बात करना चाहिए। जो अभी हम लोग वो अप्रोच पे अभी हम लोग नहीं आए हैं, वो डिस्कशन लेवल पे हम लोग अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या हो रहा है, हम लोग जॉब क्रिएशन के लिए काम कर रहे हैं। आज तक 75 सालों में हमारी देश के अंदर पे जॉब क्रिएशन के ऊपर काम हो रही है, न कि वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। आप वैल्यू क्रिएट करो ना, जॉब अपने आप क्रिएट हो जाएगा। आप दुनिया के लिए आप प्रोडक्ट बनाओ ना, जॉब अपने आप आएगा आपके पास में। सो आई एम न्यू मेंबर विद पीएचडी सीसीआई। आई टुक अ पोजीशन एज चेयरपर्सन फॉर दी वेस्टर्न रीजन विच इज महाराष्ट्र, एंड दिस इज अवर फर्स्ट सच कॉन्क्लेव फॉर दी बेनिफिट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। नाउ आज अपन इकट्ठे क्यों हुए हैं, देयर इज अ पर्पज ऑफ गेटिंग ऑल द केमिकल सेक्टर पीपल टू कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड हाउ केमिकल सेक्टर इंडस्ट्री इज मूविंग द नेक्स्ट लेवल, either by sustainability, green chemistry, growth phases, and the problem being faced by the sector. In this direction, the general feel it is coming that India is here and India is going to be there. However, agar aaj ke date mein India among the top 6, top 7 player hai chemical sector mein, but aaj ke date mein abhi bhi sirf 4% market share leke baitha hai. To have this market share for chemical sector in the world, as compared to China is having 40% market share. So it's not going to be overnight that you just eliminate everyone and this will happen. It will take another 20 years time. So what is expected if we plan this industry progressively by domestic demand, domestic betterment and servicing global customers, we expect this industry to take a 12 to 13% market share in next 10 years time. Now that doesn't mean that it's only market share rating. Others will go down, like Europe has gone down, America has gone down, but the China, India, Japan, Korea, all these Asian companies are growing. Now that will not happen automatically unless we create the entrepreneurs' ability to invest for the future, just not by supplying to others, but also creating own market. उस चीज़ के लिए ये discussion और participation ज़रूरत है कि industry क्या सोच रही है, क्या कर रहे हैं और अपन corrective phase पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। As I rightly said earlier that if the industry believes that हर produce की value बढ़ानी है, तो production बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, production की value बढ़ाने से बढ़ेगा। That means आपको उसी capacity, उसी market में बड़ी या ज़्यादा value के product बनाना है, ताकि उसका volume नहीं बढ़े but value बढ़े। अगर आपको जो 1 किलो सामान से काम चलता है, अगर वही चीज़ आपने 500 ग्राम में कर दिया तो production कम होता है, value बढ़ती है। गवर्नमेंट का क्या कुछ सपोर्ट अपने गवर्नमेंट की तरफ से? सपोर्ट एक ही होता है कि वो एक एटमोसफेयर क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोग आके उसको सस्टेन कर सके, ताकि सरप्राइजेज ना मिले। सो एनी ओवरनाइट चेंजेस इन द पॉलिसी इज ऑलवेज अ बैड फॉर द इंडस्ट्रीज। सो व्हाट वी सी फॉर लास्ट 10 इयर्स टाइम एंड देन एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू, दैट गवर्नमेंट नॉट ओनली देयर इज अ नेगेटिव रोल ऑफ अ गवर्नमेंट एंड देयर इज अ पॉजिटिव रोल। सो नेगेटिव से न्यूट्रल तो अपन 10 साल पहले आ गए थे, अब पॉजिटिव रोल है कि गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग ए conducive atmosphere, sometimes through PLI, sometimes through Make in India Pro, sometimes to give the confidence to Indian population and people that yes, इसके अंदर में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और उस सपोर्ट के बाद कहना भी काफ़ी हो जाता है कि सपोर्ट मिलेगा, उसके रहते हुए इंडस्ट्री वाला रिस्क लेता है, फिर सपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर गाड़ी चल निकलती है। सो वो सपोर्ट अभी मिल रहा है। उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए जो लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग देखेंगे? एक ही मैसेज है सबके लिए, वेदर यहाँ पे जो आए हुए लोग हैं और जो नहीं है, दैट चेंज और इम्प्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए, एवरी डे इम्प्रूवमेंट, अ लिटिल इम्प्रूवमेंट एवरी डे, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड यू आर मच बेटर, मच बेटर एज ए पर्सन, मच बेटर एज ए कंपनी, मच बेटर एज ए नेशन। सो डोंट ट्राई टू चेंज ओवरनाइट, चेंज एवरी डे एंड मेजर इट एवरी डे कि आज मैंने नया क्या किया।
हर रोज नया करेंगे तो कंट्री वैसे ही नहीं बनेगी। कहना चाहेंगे आज के इस इनिशिएटिव के बारे में जो हम लोग यहाँ पे आए, माज़ा पब्लिकेशन का ये पहला इनिशिएटिव था और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ है और हम ये सोच में है कि एंड ऑफ द डे में सब लोग खुश होकर जाएंगे। तमाम लोगों ने क्वेश्चन सवाल करके तो क्या लोग सेटिस्फाई हैं आज की इस, अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि सब लोग सेटिस्फाइड है और किसी का कुछ दुखवटा तो है नहीं, तो एवरीबॉडी लुक्स फाइन। मैम आप कुछ क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? एडवांटेज इंडिया केमिकल कॉन्क्लेव 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय माज़दा पब्लिकेशंस इन एसोसिएशन विद PSGCI एंड वी आर ग्लैड दैट वी हैव लॉट ऑफ इंडस्ट्री स्टैलवर्ट्स, association leaders, PSGCI leaders, and also students from ICT, DY Patil, and many institutes and companies from all over India. And this has been a very interactive, informative session, which I'm not saying because the video itself says that it's a very interactive, we're having very interactive sessions. The speakers are very informative, giving good information. It is basically enhancing knowledge, networking opportunity, and has now become a very concrete and exclusive platform for the chemical industry. And we thank Department of Chemical and Fertilizers for their support. We thank our sponsors, Tata Chemicals, Godrej, and many others for their support. And it's been a wonderful event so far. We also having awards in the evening around 4:30 to 5:30. We will all we would like you to join us. Thank you. This was the first event right jointly represented by Mazda Publication with esteemed our organization, that is PHDCCI, right? So the main theme was the Advantage India, right? So the what we are doing in chemical industry concerning to the all the kind of, be it export, be it to the contributing to the large at the economy, right? What all the main purpose of this event is to give the advantage to all the dignitaries and the chemical vertical to give their advantage, right? And with this we also will be submitting this reports to the Department of Pharmaceuticals and Chemicals to kind of to also to chemical, I mean chemical and petrochemicals divisions, to roll out to the next phase and how we can kind of do something bigger and better more than this to the coming event. Okay, thank you.